नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। पिता का दोहा संस्कार की तैयारी करने के दौरान करंट लगने से पुत्र की गई जान। बिजली विभाग की घोर लापरवाही का मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 का है। में बहुत ही दुखद घटना घटी है। यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही के कारण घटी है। आज जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद घटना है। जो मनोज महतो थे उनका देहांत बीमारी के कारण हुआ। उसका लड़का दोहा संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान बिजली के पोल के साथ पड़ा बिजली का तार, जिससे उसको करंट लग गया। करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यहाँ के बिजली की शिकायत हमने बिजली विभाग को कई बार की, लेकिन अभी तक बिजली विभाग के कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है और नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। बहुत ही दुखद घटना घट गया है। बहुत ही अपार दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, बिजली विभाग के लापरवाही के कारण आज जो घटना घटा है वो बेतरीके घटा है। आज देख लीजिए, जैसे मनोज महतो था, उनका देहांत हुआ था, उनकी कुछ अपनी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया था। और फिर उसको जो उसके देहांत के बाद दाह संस्कार का जो कार्यक्रम होता है, उसी के दरमियान उसका बेटा जो था वो बेहवास होकर के और बिजली के पोल को पकड़ लिया, उसी के दरमियान उनके बेटा का भी मृत्यु हो गया। और मेरे द्वारा बिजली विभाग को भी कंप्लेन किया गया था कि मेरे वार्ड में इस तरह का कंडीशन है, जगह जगह पोल से झटका आता है और काफ़ी मात्रा में तार नीचे लटका हुआ, लेकिन बिजली विभाग रिस्पॉन्स अपना नहीं ठीक तरीके से लिया, जिसका अंजाम आज हम लोगों के सामने है। अभी भी देखा जा रहा है सैकड़ों तार कनेक्शन जो अभी अभी खतरनाक लगा हुआ है जी, वो अभी भी खतरनाक बना हुआ है। सर, हमने कितनी बार कंप्लेन किया है, लेकिन आए नहीं देखने के लिए, नहीं कोई रिस्पांस लिया, जिसके कारण आज ये घटना घट चुका है। क्या मतलब क्या इस पर कार्रवाई क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, केस मुकदमा होना चाहिए। जो होगा हम लोगों से जो प्रयास होगा वो करेंगे। यानी बिजली विभाग की लापरवाही इसमें देखी जा रही है? पूरी 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 बिजली विभाग की लापरवाही है, और जिसकी वजह से आज की इन लोगों ने अपने समाज हम लोगों ने अपने समाज का बेटा खोया है, और एक माँ ने अपनी बेटा को खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है। सब किसके कारण? सब बिजली विभाग के कारण, लापरवाही के कारण। पार्षद लोगों के कॉल का रिस्पांस नहीं लेता है। आपत्ति का जो मैटर होता है उसमें भी आवेदन मांगता है, तो आवेदन मांगता है तो जिस टाइम हम कॉल किए उसी टाइम हमको बता देता कि आवेदन के मुताबिक हम काम करेंगे, उसी टाइम हम उसको आवेदन दे देते हैं। लेकिन महीना दिन के बाद नहीं आने के बाद पार्षद के द्वारा बार बार कॉल किया जाता कि आकर के वेरिफिकेशन। लोगों द्वारा यही बताया गया है और देखे भी है, विद्युत पोल में सटने के कारण करंट लग गया है। विद्युत प्रवाह थोड़ा था, पोल में लग गया। कितने बजे घटना है? बता रहे हैं 5:30 बजे। अभी क्या है, पोस्टमार्टम करने की तैयार कर रहे हैं। उससे पहले बताया जा रहा है कि पिता का भी मौत हुई थी, उसी के दाह संस्कार के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में करंट लगने से मरा वो लड़का? मरा उसका क्या नाम है जानते हैं? रंजन कुमार। उम्र रंजन कुमार, क्या नाम है? रंजन कुमार मात्र। उम्र करीब है 17-18 वर्ष। पिता क्या नाम है? मनोज कुमार माथुर। जो एक्सपायर किया मनोज कुमार माथुर। कौन मोहल्ला का मामला है सर? आजमनगर एक्सपायर कर गए हैं, बुलेट से लेकर उसको उतारे। उतारने के बाद उस लड़का के वहाँ पर बेहवास हो गया लड़का, उसको साज के रो रहा था, वो चिल्ला कर दोस्तों साज के साज करने के बाद वो डायरेक्ट लड़का किसी सहारा लेन का पोल के पास आया, पोल और दोनों में सटा और जैसे उसको करंट मार दिया, पड़ते रोड पर गया। पिता का दाह संस्कार का तैयारी चल रहा था जी हाँ, जो सब समक्ष में रखा हुआ है सब देख लिया जाए। पिता कैसे मरा था उसका? जी वो हॉस्पिटल बीमार थे 10-15-20 दिन से। अच्छा। DMCH। कितने बजे घटना है? ये घटना लगभग 5-6 के बीच की। मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गया या? जी ना, इसको यहाँ से लेकर गए, सभी डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, लेकिन वो मृत्यु घोषित कर उसको उठा के। कितने साल का लड़का? लगभग 18 साल। 18
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नारायण माथुर, नौतनी से लोग जानते हैं। लड़का जो एक्सपायर हो उसका क्या नाम है? उसका नाम है रंजन कुमार माथुर। पढ़ता भी था? जी मेरा पढ़ता भी था क्या? जी नहीं।